नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। कल के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कल काफ़ी देर से मैं घर पहुंचा, रात में 11 बजे नोएडा से घर ही पहुंचा हूं। काफ़ी ट्रैफिक दिल्ली का तो पता ही आपको। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले सोचा कि आज मैं लीनियर इक्वेशन का पहले ट्रेंड्स और नंबर 3 लेकर आऊँ, डे 3 का कॉन्सेप्ट। और आज ही के दिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ट्रेंड मैं लेकर आऊँगा, जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप सबके रिक्वेस्ट, सजेशंस और कमेंट्स मिलते रहते हैं, बहुत खुशी होती है। बड़े अच्छे अच्छे आप कमेंट्स लिखते हैं, मैं कमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश करूंगा अगले जब लाइव आऊंगा, तो जो मेरे पास आप कमेंट लिखते हैं तो लाइव वीडियो के दिन संडे को मैं कोशिश करूंगा लाइव आने का भी, उसका सर्कुलर मैं आपको दूंगा। तो चलिए, टाइम बेकार ना करते हुए आज सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन का ट्रेंड लेकर के भी आपके पास आ रहा हूं। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन देखने में तो बहुत एक मेजर चैप्टर लगता है, लेकिन अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो बहुत दुख होता है कि इसके वेटेज बड़े कम रहते हैं। इधर 2-3 साल के ट्रेंड्स में अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन का वेटेज बहुत कम होता है। तो 3-4 मार्क्स का इसका हम एवरेज वेटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पढ़ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है हमें, लेकिन इसका वेटेज कम होता है तो थोड़ा सा दुख तो होता है। तो मेजर वेटेज अलजेब्रा के पार्ट में देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, और लीनियर का वेटेज यूजुअली कम होता है। भगवान करें कि आने वाले एग्जाम में इसका वेटेज थोड़े बढ़े आपके लिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि 2018 जो CBSE बोर्ड का पेपर था उसमें आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को ढूंढते रह जाएंगे, कहीं भी आपको नहीं मिलना। तो एक बड़े दुख की बात है, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चंस आखिर में क्यों नहीं आया 2018 का। तो इतना बड़ा बच्चा पढ़ाई करता है, उसके बाद भी क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। अगर रहते हैं तो बहुत छोटे, कहीं एक या नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाए, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है। 2018 कंपार्टमेंट की बात करें तो कंपार्टमेंट के पेपर में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 1 मार्क का एक क्वेश्चन था। दैट मीन्स कि 4 नंबर के वेटेज पे यह चैप्टर था। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी डिस्कस करूंगा। और 2019 CBSE जो सैम्पल पेपर जो अपनी रिलीज करती है उसमें इसका वेटेज 3 मार्क्स का था, जो आपके NCERT का जो हाईवे वाला क्वेश्चन था, वहाँ पे जो 100 किलोमीटर ए और बी के बीच में डिस्टेंस है और उसमें था 80 किलोमीटर का क्वेश्चन था। तो ये 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, दैट मीन्स कि मानकर चले कि 3-5 मार्क्स का वेटेज 2019 7 मार्च को CBSE जो बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें इसका वेटेज हो सकता है। तो ये तो वेटेज की बात रही कि 3-5 मार्क्स का वेटेज मैंने बताया आपको। चलिए अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे समराइज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर में। सबसे पहला पार्ट जो करना है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ये मेरे डिक्शनरी की अगर बात करें, मेरे अगर एक्सपीरियंस की बात करें, तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पिछले बहुत वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ग्राफ से कोई क्वेश्चंस रिलेटेड नहीं आते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो, क्योंकि मैं CBSE के पेपर तो मैं सेट नहीं करता हूँ, मैं ट्रेंड ही बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो पहली बात रही कि लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ग्राफ आता भी है तो बहुत सिंपल है, आप 9th क्लास से आप ग्राफ करते आ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ हो जाएगा यहाँ पे, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आ सकता है, उसके वर्टिसेस को लिखने के लिए आ सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर अलग करें तो यही करें। और ट्रायंगल का एरिया मेरे अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आता है तो ग्राफ में ट्रायंगल का एरिया जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट जो है, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इसमें 3 मेथड हमारे पास होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टेक्निकली डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें, बहुत बच्चों को उसमें डर लगता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक भी है। एक आप अगर आप थोड़ा सा आपको मैं उसमें हेल्प करना चाहूँगा कि आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बी कैब याद रखिएगा, याद रखिएगा बी कैब, बी बी से बिना सर याद रखिए, बी के सर बी, और उसके बाद कैब, जिस कैब पे हम घूमते हैं। तो बी कैब से बड़ा एक अच्छा सा आपको मैं फॉर्मूला ट्रिक इसमें दे सकता हूँ कि इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है, बी सी एक में पार्ट में कीजिएगा, बी सी एक पार्ट में कीजिए सी ए और एक पार्ट में कीजिए ए बी। तो मतलब कि एक्स अपॉन पहला वेरिएबल एक्स है तो उसमें लिखिए बी सी माइनस बी सी, उसके बाद वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए एंड दैट इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, ठीक है। तो क्या लिखा, x अपॉन बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी। ये बी कैब का फॉर्मूला है, बी सी फिर सी ए फिर ए बी, फिर 1, 2 का 4, आपने गाना सुना भी होगा, राम लखन मूवी का है। तो 1, 2, 2, 1 करके इसको अल्टरनेट लगा दीजिए यहाँ पे, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 लगाइए, यहाँ पे 2 अल्टरनेट कर दीजिए, 2 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 1।
तो एक आपके पास बड़ा अच्छा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस टेक्निक से फॉर्मूले को याद रख सकते हैं कि एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल्स टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल्स टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का फॉर्मूला आपके पास बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सिंपल सा ट्रिक था, बी कैप बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए, ए बी माइनस ए बी, वन टू का फोर गाना याद रखिएगा, वन टू फिर उसको अल्टरनेट कर दीजिए, वन टू टू वन, वन टू टू वन, वन टू टू वन, तो ये आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा। यह फॉर्मूला एक ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन को लिखने के दो फॉर्म होते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स जीरो। जब इक्वेशन इस फॉर्म पे लिखा हो तब उस केस में यह फॉर्मूला वैलिड है। अगर फॉर्मूला मान लीजिए कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू, तो उस केस में वन के जगह पे आप क्या करेंगे, माइनस वन लगा देंगे। ठीक है, तो बड़ा एक सिंपल सा ट्रिक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डरना नहीं है। काश मेरे पास वक्त होता तो मैं आपको ये सब सारी चीज़ें समय रह करके आपको मैं सिखा भी देता, लेकिन चलिए मैं कम टाइम में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम अपने नॉलेज को मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तीन मेथड हैं, तो पहला पार्ट आपने क्या देखा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसके जो मेरे अकॉर्डिंगली लेस इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट देखा कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन देखा आपने। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखिए कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा होगा कि अगर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, बच्चों मैं थोड़ा फास्ट जरूर बोल रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में आपको सारी चीज़ें शेयर करनी है, तो थोड़ा सा फास्ट तो रहूँगा, तो आप मेरी वीडियोज़ को पॉज करके रोक रोक करके आप देखें तो थोड़ा सा मेरी स्पीड तो फास्ट रहेगी। ठीक है, मैं हूँ बीके सिंह सर, मेरे वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते रहिए। ठीक है, कमेंट लिखते हैं तो बड़ा मुझे भी इंकरेजमेंट होता है कि चलो भाई ठीक है, आप वाकई में आपको फ़ायदा मेरे वीडियो से हो रहे हैं। बाकी उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है वाकई में। ठीक है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं इसको शेयर नहीं करूँगा नहीं तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मुझे ज़्यादा नॉलेज चाहिए। नॉलेज जितना आप बांटोगे उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो चलिए, तीसरा पार्ट था कि सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें तीन पार्ट आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। फॉर्म जब है ए वन एक्स प्लस बी और वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू होगा। ध्यान रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, और उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स कि जब ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे तो किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट दोनों लाइन करेगी। तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि के का वैल्यू बताओ। ठीक है, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरे पार्ट को तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखना चाहूंगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, तो यहां पर जो आंसर आता है के नॉट इक्वल्स टू, अगर मान लो कि के नॉट इक्वल्स टू थ्री आ जाए, तो के नॉट इक्वल्स टू थ्री आपको आंसर नहीं है, याद रखिएगा। तो लिखना पड़ेगा वहां पे, एक लाइन लिखना पड़ेगा, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज अदर देन, जो आ रहा था के नॉट इक्वल्स टू थ्री, तो अदर देन थ्री, इस चीज को लिखिएगा, नहीं तो बच्चों स्टेप पे आपकी मार्किंग है, तो हो सकता है कि दो नंबर में आपके एक नंबर एग्जाम में कट भी जाए। तो स्टेटमेंट लास्ट में लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यूनिक सॉल्यूशन में के निकालना, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में के निकालना, और एम और एन की वैल्यू निकालना, या ए और बी की वैल्यू निकालना, पी और क्यू की वैल्यूज निकालना, तो उस केस में जो हमारे पास कंडीशन होता है ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू क्या होता है सी वन अपॉन सी टू। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन विल ओवरलैप कर जाएगी। ठीक, और इसके भी सॉल्यूशन होंगे कंसिस्टेंट, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो कंसिस्टेंट के केस में दो पार्ट होगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा जहां पे ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू, और एक होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का पार्ट होगा जहां पे ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, तो एक ही लाइन के ऊपर सेकंड लाइन विल ओवरलैप। अगर मान लीजिए किसी भी एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, तो एक आपको इक्वेशन लिखना होगा जो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करे। तो ध्यान रखिएगा, वहां पे हजारों बहुत सारे इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं। उस केस में a1 बाई a2 जो होगा, ए वन बाई ए टू वन बाई टू होगा, बी वन बाई बी टू भी हो जाएगा 1 बाई टू, एंड सी वन बाई सी टू भी क्या हो जाएगा 1 बाई टू हो जाएगा। तो ये हो गया आपका
इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के केस में ए और बी निकालना, एम और एन निकालना, के का वैल्यू निकालना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका वेटेज 3 मार्क्स का हो सकता है। अभी अभी हमने देखा कि 2018 का जो कंपार्टमेंट का जो पेपर था, मैंने बताया अभी आपको कॉन्सेप्ट कि उस केस में हमारे पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पर हमें एम और एन का वैल्यू फाइंड करना था। तो पहला पार्ट देखा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, जो मेरे अकॉर्डिंगली लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड में अल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को जरूर ध्यान में रखना है। और बहुत बार बहुत सारे टीचर्स ये समझाते हैं कि वैसे क्वेश्चन जहाँ पर मतलब कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट ए और बी के टर्म्स में हो या किसी वेरिएबल के टर्म्स में हो, और अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करना है तो स्ट्रिक्टली वी शुड ट्राई टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज नॉट अ फैक्ट माय डियर बच्चों। मैं तो हमेशा आपको कहूंगा बिल्कुल ये सच्चाई नहीं है, कोई भी इक्वेशन हो उनको हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स आपका आ सकता है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में मेंशन किया हुआ है कि बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उस केस में आपको वहां पे एक्सक्लूसिवली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही यूज करना पड़ेगा। तो अब बताया सॉलिबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ गया यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इस केस में ग्राफ जो होगा कंसिस्टेंट होगा, किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन, ठीक है, और सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में एक ही लाइन के ऊपर सेकंड लाइन ओवरलैप और जो कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है, और इस केस में भी कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन के केस में जो दोनों ग्राफ दोनों लाइन जो होंगे पैरेलल हो जाएंगे, दैट मींस कि कोई उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जो है, अगर इंपॉर्टेंस की कैटेगरी पे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एक या दो नंबर के क्वेश्चन आपके इस पार्ट से एग्जाम में 2019 के बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अगले पार्ट में आते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। बच्चों सबसे ज़्यादा और स्टार रेटेड क्वेश्चंस, अगर मैं 5 स्टार की अगर आप मुझसे बात करो तो 5 में 5 स्टार में इस टाइप को देना चाहूँगा कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। ये अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो एनसीईआरटी में आपका एक एक्सरसाइज है, मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको ताकि घर पर आप इसके बड़े अच्छे से सारे इसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है आपका इसी पार्ट पे, तो इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर दैट मींस कि हमें क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर बनाना है, फिर हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ये आपका पेज नंबर 67 एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज 3.6, ये आप एक्सरसाइज 3.6 का पार्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो सबसे ज़्यादा मैंने कि हॉट क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं आपके एग्जाम में आने के लिए। तो चलिए इसको मैं एकदम हाईलाइट से मार्क कर दे रहा हूँ भाई, ये तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कर लो। और CBSE लास्ट 10 ईयर्स के जो ट्रेंड्स हैं उसमें भी जो क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए हैं वो भी जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में क्या देखते होंगे आप कि वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में गिवन होता है तो उसे हम क्या करते हैं, पर लीनियर के जनरल फॉर्म पे लेकर आते हैं, फिर उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 जो है एनसीईआरटी का, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस टाइप के थोड़े और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा 3 to 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बड़े आसानी से आप मार्क्स को लेकर आ पाएंगे। अब लास्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम का सेगमेंट है। अब आप पूछेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम में आपके दिमाग में होता होगा, वर्ड प्रॉब्लम में आप स्टेटमेंट को पढ़ करके आप इक्वेशन को नहीं डिराइव कर पाते हो, नहीं लिख पाते हो, ये मैक्सिमम बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। तो अब आपके पास टाइम कम है, इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले एनसीईआरटी के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस 2 बार 3 बार आप कर लीजिए अगर आप लकी होंगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल एनसीईआरटी से यूजुअली पूछा जाता है, मैं अभी आपको ट्रेंड्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन देख करके, तो आप बहुत लकी होंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम भी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आप बात कहो तो वर्ड प्रॉब्लम 98% केस में क्वाड्रेटिक के पूछे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड्स की बात मैं कर रहा हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं सीबीएसई बोर्ड की पेपर मैं नहीं सेट करता, सारे ग्रुप ऑफ टीचर्स एक्सपर्ट सारे सेट करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं जो लास्ट ईयर में पूछे जाने का ट्रेंड्स उसके बेस पे और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे बात करता हूँ, तो वहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम केस में क्वाड्रेटिक के पूछे जाते हैं, लीनियर के नहीं आते, पहले आया करता था, अब नहीं पूछे जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम लेकिन फिर भी एनसीईआरटी से आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, आप सेफ साइड रहिएगा। जैसे सीबीएसई 2019 का जो सैंपल पेपर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ आपका हाईवे वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के सारे वर्ड प्रॉब्लम देखिए, सबसे पहली बात है एज ग्रुप के क्वेश्चन, डिजिट एंड नंबर्स के क्वेश्चन,
फिक्स्ड एंड रनिंग चार्जेस के क्वेश्चन, हाईवे वाले क्वेश्चन, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, उसके बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में है, ध्यान रखिएगा। और सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस भी बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो टोटल 5 पार्ट में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, और ये हमारा ट्रेंड्स था कि 3 to 5 मार्क्स का। अब आते हैं सीबीएसई बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को लेकर के। चलिए, अब कुछ बच्चों ने लिखा था कि ये तो सर आपके सतीश ब्रदर वाली किताब का एक क्वेश्चन है। बिल्कुल, सतीश ब्रदर की बुक मैं लिखता हूँ, 10 ईयर्स की मैंने लिखी हुई है, और वो 10 ईयर्स का ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया है। अब इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे देना, तो आप अगर इसके सॉल्यूशंस के ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं तो सतीश ब्रदर एंड सन्स के साइट पे जा सकते हैं, जाकर के इस बुक को भी आप लिख सकते हैं, सस्ती किताब है। बाकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें इनकी अब कुछ क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूँ, 2008, 2007, 2007, 2007 के सारे एक क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन की बात मैं करूँगा, ठीक है, देखिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इस क्वेश्चन की बात करूँगा कि 31x + 29y = 33 and 29x + 31y = 27। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में हम बच्चों क्या करते हैं, जब ऐसे इक्वेशन हो जहाँ पे जो नंबर हैं वो डायगोनली इक्वल दे रखा, जैसे ये 31x + 29y = 33 है, और यहाँ पे जो है 29x + 31y = 27 है। देखिए नंबर डायगोनली इक्वल जब दे रखें और बड़े नंबर्स हों तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार हम ऐड करके एक छोटा इक्वेशन बना लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक छोटा इक्वेशन बना लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके एनसीईआरटी बुक का ऑप्शनल अगर आप देखें तो ऑप्शनल में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे क्या ऑप्शनल की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा लीनियर के केस में यस, एकदम बिल्कुल थम्स अप करके बोलूंगा कि हाँ, लीनियर के केस में आपको ऑप्शनल करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये देखा, बाकी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बहुत सिंपल से, एक्स और वाई के सॉल्व करने के इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर से, आगे भी देखिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर से, एम का वैल्यू निकालना है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, के का निकालना है, ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए निकालना है, के का वैल्यू इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए के का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सारे क्वेश्चंस अब इसी टाइप पे आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एज ग्रुप का वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, एज ग्रुप है, फिर डिजिट एंड नंबर्स है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर एज ग्रुप का आया हुआ है, फिर एज ग्रुप का है, एज ग्रुप, और एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ऑप्शनल में है, स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, देखिएगा आप उसके आपके ऑप्शनल का क्वेश्चन है, ये आपके 1994 में क्वेश्चन काफ़ी पहले आया हुआ था, बेसिकली ट्रेंड काफ़ी पुराने क्वेश्चन का है, तो एनसीईआरटी ऑप्शनल भी आपको करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक्स और वाई निकालना है, जहाँ पर ए और बी वाले टर्म्स हैं, जिसको आपके टीचर्स कहते हैं कि नहीं भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करो, ऐसा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तो 10 ईयर्स का अगर आप ट्रेंड्स कर लें और एनसीईआरटी बुक अच्छे तरीके से कर लें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लीनियर में क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, ठीक है। ये सारे आगे, उसके बाद अब आइए इसमें, फिर वही है, फिक्स रनिंग चार्ज है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, डिजिट एंड नंबर्स के क्वेश्चन हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, न्यूमरेटर फ्रैक्शन, ये सारे इसी टाइप के। मैं एक बार सारा चेक कर ले रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चंस तो नहीं है जो आपके छूट जाए। हाँ, प्लेसेज ए एंड बी आर 90 किलोमीटर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम हाईवे, देखिए ये आपका आ गया 80 किलोमीटर, ये 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर उसके बाद अभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रिसेंट में भी आपका ये क्वेश्चन 2018 कंपार्टमेंट का भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, हाईवे वाला जो क्वेश्चन बता रहा था। फिर डिजिट एंड नंबर्स हैं, ए और बी निकालना इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, अगेन डिजिट एंड नंबर्स, ठीक है, एज ग्रुप के क्वेश्चंस हैं, देखिए तो मैक्सिमम यही है सारे आपके। उसके बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर से है, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, ठीक है, बाई टैक्स इट टुक हिम 5 hours 30 minutes इफ ही ट्रैवल्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मैंने अल्टीमेटली आपको यही कहा कि आप एनसीईआरटी के भी वर्ड प्रॉब्लम सारे कर लें, और अच्छे तरीके से एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर आप लीनियर इक्वेशन में कर लें तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर ए और बी निकालना है लीनियर इक्वेशन के लिए, ए और बी के लिए सॉल्व करना है,
कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट, ये सारे के सारे आपके ट्रेंड्स रहे। तो ट्रेंड्स अगर हम देखने के बाद इतने सारे क्वेश्चंस हमने देखा, तो अल्टीमेटली हमें यही लगा कि एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम बहुत सफिशियंट है। दैट मींस कि 2019 में देखिए हाईवे वाला सैंपल पेपर पे जो क्वेश्चन है, तो मैं अल्टीमेटली यही कहना चाहूँगा कि आप लीनियर इक्वेजन के केस में एनसीईआरटी पे ट्रस्ट करें और एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से आप कर लें, इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड एग्जांपल एंड इंक्लूडिंग ऑप्शनल। और 10 इयर्स के अगर आप ट्रेंड्स को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो एनसीईआरटी, मुझे पूरा विश्वास है कि 3 to 5 मार्क्स आप स्कोर करने में सक्सेसफुल आप होंगे और कोई आपको उस केस में दिक्कत नहीं आएगी। यह रहा आपके एनसीईआरटी का ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को फॉलो करते रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी बुक और इंक्लूडिंग ऑप्शनल सारे वर्ड प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जांपल, और आप 10 ईयर्स के ट्रेंड्स को देख लें, 10 ईयर्स के सारे एक बार क्वेश्चंस को देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार कर लें, जो जो नहीं आता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि लीनियर इक्वेशन हम बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे, 2 score 5, 3, 4 or 5 वॉट एवर इट इज, ठीक है, 3 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 3 to 5, राइट। तो यह आपका लीनियर इक्वेशन का आपका ट्रेंड्स रहता है। अब इसी ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, ऑनेस्टली आप ट्रेंड्स को फॉलो करें। और क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है इनफाइनेटली में, एम और एन, ए और बी, पी ओ क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, की का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सॉल्यूशन के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, जहां पे रिड्यूस करके उसको लीनियर बना करके सॉल्व करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम, सारे वर्ड प्रॉब्लम को कैटेगराइज करके आप उसको सॉल्व कीजिए, और लीनियर के भी अगर पूरे वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से प्यार से कर लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन का पर्पस आपका सॉल्व हो जाएगा। बच्चों मैं हूं बीके सिंह सर, आप सबके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता हूं, खड़ा भी रहूंगा, और मेरा टारगेट है कि 15th of February तक आपका ये ट्रेंड्स कंप्लीट करने के बाद 20 दिन बहुत कुछ सरप्राइज पैकेज होगा आप सबके लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में आप जरूर मुझे याद रखेंगे और आप सबके लिए कुछ कर गुजरने की मेरी भी तमन्ना है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आज नए वीडियो के साथ क्वाड्रेटिक का भी आज ही मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और टाइम टेबल के ऊपर हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 70 मार्क्स, हाउ टू पास इन CBSE बोर्ड पेपर, कैसे 5 दिन में पास कर जाए यार, ये सारी चीज़ें हैं जो मैथ्स के ऊपर जरूर करूँगा। आप सबके बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि सर साइंस का, सोशल साइंस का, साइंस और सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आप मुझे एक ही सब्जेक्ट में स्टिक होकर के रहने दीजिए, अदरवाइज मैं डाइवर्ट होऊंगा तो फिर आपका मैथ्स का पार्ट आपको रुकेगा। सेकंड पार्ट के आप मोबाइल पे कॉल नहीं करेंगे, आप केवल टेक्स्ट छोड़ सकते हैं, कॉलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। अगर हजारों हजार कॉल में उठाने लगूं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, मैं बहुत अपना प्रीसियस टाइम में से आपको निकाल करके आप सबके लिए बैठा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब इससे फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड